बढ़ते साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने साइबर जागरूकता अभियान चलाया है। मंगलवार को थाना प्रभारी बीएल मंडलोई पुलिस कर्मियों के साथ मांगरोल रोड स्थित निजी स्कूल पहुंचे। यहां विद्यालयों में पुलिस ने साइबर क्राइम से बचने के लिए टिप्स दिए। साइबर क्राइम से बचाव हेतु क्या करें क्या ना करें के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। साइबर एक्सपर्ट ने छात्राओं को बताया कि साइबर अपराध घटित होने पर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करने एवं साइबर हेल्पलाइन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें। तत्काल सूचना से आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकता है। सोशल साइट्स पर अपनी निजी जानकारी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करने तथा अपनी ओटीपी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करने के बारे में भी जानकारी दी गई। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। कि सांप्रदायिक तथा आपत्तिजनक वीडियो फोटो मैसेज लिंक का प्रचार प्रसार पोस्ट ना करें। जो कम्युनल कुछ आते हैं, कम्युनल पॉलिटिकल कुछ रहते हैं जिनको कि शेयर नहीं करना है। हर 2 महीने के अंदर डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर साहब को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से एक ऑर्डर निकलता है, आदेश निकलता है 144 सीआरपीसी का। उसमें इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको प्रोहिबिट किया गया है कि आप ऐसी कोई भी कंटेंट जिससे कि किसी सांप्रदायिकता को तनाव पड़ता है, कोई दो संप्रदायों में तनाव होता है, कोई झगड़ा होने की संभावना रहती है, कोई कम्युनल तनाव होता है या किसी जाति विशेष में रोष होता है, उससे कानून व्यवस्था लाइन ऑर्डर की ड्यूटी क्रिएट हो सकती है। उसको यदि आप अपने फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे अगर आप शेयर करते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्ट्रेशन होती है 188 के तहत। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इस पर ध्यान देना है कि हमें कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि प्रतिबंधित किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, उसको बिल्कुल भी अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने किसी ऐप के माध्यम से उसको सर्कुलेट नहीं करना है। और जाया कि चोरों को पता चल जाता है कि भाई साहब तो पचमढ़ी में मजे कर रहे परिवार के सहित ताला लगा के, और अब हमको अच्छा मौका मिल गया है कि यहाँ जाके अपना काम निपटा दे। पर इसके अलावा भी हमको ये तो एक चोरी वाली बात है, इसके अलावा भी हम अपनी प्राइवेट जानकारी जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा हमको अब नुकसान होगा अनजान लोगों से। तो हमको अपनी प्राइवेट जानकारी कभी भी शेयर नहीं करना है। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा बच्चों को, खासतौर से लड़कियां और लड़के दोनों काफी अच्छी संख्या में उपस्थित थे और उनको यातायात जागरूकता से संबंधित, यातायात के नियमों से संबंधित कई चीजें उनको बताई गई। साथ में उसी से जागरूकता से संबंध में जो पंपलेट्स भी थे हमारे पास वो भी हमने इनको दिए और काफी अच्छा हमने भी इनके साथ जो हमारा ज्ञान था वो शेयर किया है। जी हाँ, लगातार ये जागरूकता कार्यक्रम सभी जगह पे स्कूलों में, कॉलेजों में और रोड पे चेकिंग के दौरान भी इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम हमेशा चालू रहेंगे। उच्च अधिकारी के तौर पे आज जी हाँ थाना प्रभारी कोतवाली थे, साथ में महिला थाना प्रभारी मैडम भी साथ में थे। उन्होंने भी महिला अपराध से संबंधित एज वेल एज साइबर अपराध से संबंधित जो भी जानकारी थी वो भी इन सब बच्चों को शेयर की है। सेंट जूस स्कूल में यहाँ के मैनेजमेंट के रिक्वेस्ट पर एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ट्रैफिक रूल्स और साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ यहाँ के बच्चों से शेयर की गई और उनको जानकारियाँ दी गई है और भविष्य में उसमें कुछ सुधार के लिए कुछ प्रयास किया गया है। जी साइबर फ्रॉड के जो तमाम तरीके, जो अभी सबसे ज़्यादा जो हमारे समस्या है साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है, उसके बारे में जानकारी दी गई, उनके अवेयरनेस के संबंध में जानकारी दी गई, डूज एंड डोंट्स बताए गए उनको। जी ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहेंगे और अवेयरनेस के प्रोग्राम चलते रहेंगे। यहाँ के मैनेजमेंट के रिक्वेस्ट पर एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ट्रैफिक रूल्स और साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ यहाँ के बच्चों से शेयर की गई और उनको जानकारियाँ दी गई और भविष्य में उसमें कुछ सुधार के लिए कुछ प्रयास किया गया। जी सर, कार्यशाला निर्देश में एटीएम के बारे में, फ्रॉड वगैरह के बारे में बताया गया।
जी, साइबर फ्रॉड के जो तमाम तरीके जो अभी सबसे ज़्यादा जो हमारे समस्या है साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है, उसके बारे में जानकारी दी गई, उनका अवेयरनेस के संबंध में जानकारी दी गई, डूज एंड डोंट्स बताए गए उनको। आगामी तौर पर भी कार्यक्रम चलते रहेंगे इसी प्रकार? जी, ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहेंगे और अवेयरनेस के प्रोग्राम चलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।